खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। आज जनपद फरुखाबाद की तहसील कायमगंज थाना कंपिल क्षेत्र के गांव रशीदपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना तकनीक विभाग के राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल वृद्ध जन सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। प्राथमिक स्कूल के पास लगे पांडाल में बने मंच से वहां उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री सूचना तकनीक ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हित में ही हर निर्णय ले रही है। भाजपा सरकार का ध्यान गरीबों की उन्नति की ओर सदैव रहता है। राज्य मंत्री ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बांटे गए रसोई गैस कनेक्शन तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराए गए शौचालय जैसी योजनाओं का हवाला देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मैं यही कहना चाहूंगा सरकार का जवाब सूचना मिल रही है, सरकार अपना जवाब पेश करेगी कोर्ट में, जो निर्णय आएगा वो मानेगा। सर एक प्रोग्राम में सर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक पत्रकारों से धक्का मुक्की हुई थी, सर इसमें आप क्या कहना चाहिए? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, पत्रकारों संघ घोर गलत कार्य हुआ, निंदा करता हूँ मैं इसकी। ऐसा पत्रकारों संघ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार बंधु हम लोग के तीसरे स्तंभ हैं, हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बात करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कार्य हुआ है बहुत ही घोर निंदनीय है। थैंक यू सर। से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके फतेहगढ़ जिले में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष आपका तो है नहीं, अन्य पार्टी का है, अन्य पार्टी का है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन दोनों को संग मिलाकर देखिए देश का विकास और प्रदेश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आप लोग अपने फतेहगढ़ में अगर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश और केंद्र को मालूम की सरकार है और आपके जिले की अपनी सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष अगर आपका होगा, आपका भाग आपका होगा, आपके प्रधान आपके होंगे, तो आपका विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसमें साथ देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बहुत सारे प्रत्याशी अभी आएंगे आप लोगों के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा उसको भारी बहुमत से विजयी बनाकर फतेहपुर में बैठाने का काम करें। उसके साथ साथ अगर वो बैठेगा आपका क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रत्याशी आएगा आप लोगों द्वारा उसको भारी बहुमत से विजयी बनाने का हम कार्य करेंगे। मैं आप लोगों से फिर भी निवेदन करता हूँ, हमारे विनोद द्विवेदी जी जिन्होंने ने कार्यक्रम आयोजित किया है, हमारे प्रशासन संचालक के मास्टर साहब जी, इनको